कैसे हैं? तो आज की मॉर्निंग हो गई है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, 6:30 बज रहे हैं और अभी सब कोई सो भी रहे हैं। उधर आपको दिखेगा तो सभी सो रहे हैं। अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि पूजा है, उसकी तैयारी करनी है। तो उठ गई हूँ, बस पहले रूम की सफाई करके और फिर मैं नहा लूँगी। उसके बाद ही आज मैं खाना बनाऊँगी। तो मिलते हैं, आप ऐसे बने रहिएगा आज के ब्लॉग में। आज आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। ओके, फिर मैंने नहा लिया और मैं खाना बनाने वाली थी करूँगी। अभी मैंने नाइटी पहना है क्योंकि पूजा करनी है, उसमें साड़ी पहनी है, इसलिए मैंने अभी नाइटी वेयर की है। और मैंने इधर सब्जी बनाने के लिए चढ़ा दी है, आलू उबाल लिया और ये बन जाएगा क्योंकि हम लोग फास्ट रहते हैं। और इसमें पूजा होने के बाद जो होते हैं वो आते को कुछ नाश्ता पानी का होता है, इसलिए मैं आज आलू की टिक्की बनाऊँगी। और खाने में क्या बनाऊंगी वो बनाने के बाद में दिखाऊंगी आपको। ओके, तो आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और आगे जो जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, पूजा की तैयारी हो गई, ये सभी लोग आए हैं और भी लोगों को आना है, कुछ लोग एकदम लेट हैं। इस तरीके से होती है ये पूजा। ये देखिए, अभी और भी कैसे कैसे होगा वो सब भी दिखाएंगे। ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, फिर उसके बाद पूजा की जाती है, वो भी दिखाएंगे। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। हे गाइस, अभी ये वीडियो मेरी बेटी बना रही थी, इसलिए मैं पूजा में बैठी थी। तो इसलिए आप बस ये देखो कि किस तरीके से ये पूजा हो रही है। मम्मी जी सारी पूजा की सारी विधि को कर रही हैं और सारी सुहागनें आ चुकी हैं, पूजा हो रही है। मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे और ये वीडियो मेरी बेटी बना रही है, इसलिए मुझे देखिए आप कैसा है। तो इस तरीके से हो रही है पूजा। आप इसी तरीके से मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए। बहुत अच्छी पूजा होती है, जिस भी तरीके की मानता है आपकी वो पूरी होती है। आपको इसको मानना होता है फिर करना होता है। इस तरीके से लैया लड्डू, लैया पेड़ा, गुड़ और चने की पूजा होती है। इसमें 7 सुहागनें आती हैं, इसमें केवल सुहागन ही लोग इसमें इस पूजा में शामिल होती हैं। इस तरीके से चौकी पे रख के पूजा की तैयारी की जाती है। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको डिटेल में इसकी मतलब विधि बताऊंगी। अभी तो बस आप इसी तरह मेरी इस वीडियो को भी वॉच करते रहिए। देखिए, मैं भी इसमें होता है कि आपको छोटा सा हवन करना होता है, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। ये मेरी जो है ये मम्मियाँ सास है हमारी, वो मुझे बता रही हैं कि ऐसे करो, कपूर डाल दो तो इस तरीके से सही रहेगा। तो उसी को मैं जला रही हूँ। एक्चुअली साड़ी में कभी कभी पहनती हूँ ना, तो साड़ी में बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है, तो वो ही मैं आगे चला रही हूँ। फिर इसके बाद हम लोग एक दूसरे को ये खोचे में डालेंगे और इस तरीके से एक दूसरे, जैसे देवरानी जेठानी और सास बहू नहीं कर सकती हैं और आपस में बदला जाता है, वो किस तरीके का है वो उतना डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब भी कहोगे कमेंट करोगे तो वो भी मैं बताऊँगी। सभी शामिल है, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। वही अदल बदल वाले ही हो रहा है, सब एक दूसरे की गोदी में डालने वाले हैं और मैं तो उसी आगे को जलाने में लगी हुई हूँ। और इन साड़ी में मैं ही हूँ। तो इस तरीके से वो आगे जल गई है, अब मैं भी वही करूँगी जो और सारी औरतें कर रही थी। तो इसी तरह आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, आगे भी क्या क्या होता है।
पूजा समापन हो गया, पूजा हो गई, सब कोई चले भी गए और बस बच गए हम और मेरी बेटी और मेरी, ये देखिए दीदी आई है। दीदी दीदी गाइस को हेलो बोलिए। ये देखिए ये मेरी बहन, मैंने कहा था ना कि मेरी फैमिली में से कोई आने वाला है, मैं आपको मिलवाऊंगी। तो ये है मेरी बहन, इनको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे खुशी नाम, खुशी सिन्हा के नाम से। तो ये आई है, ये है मेरी बेटी, ये देखिए सुंदरी मेरी लाडो। तो ये आई मेरा बेटा नहीं आया क्योंकि वो डॉगी है ना, ये उनके घर में है तो उन्हीं को देखा करता है। तो उन्हीं को देखा, उसको देखना पड़ता है, इस वजह से वो नहीं आया। 200 का बिलियन हो जाता है क्या? ये है मेरे हस्बैंड, हाय बोलिए। सब कोई चले गए हैं और उन्होंने खाना पीना भी खा लिया। गर्मी बहुत है, आजकल के मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, गर्मी बहुत है। देखिए मेरी स्किन भी बहुत ऑयली लग रही है। तो पूजा हो गई जो कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये पूजा होती है। और अभी बस दीदी है, दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा वो आराम कर रही है। और अजीत अभी नीचे ही हैं, वो आज खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, अभी तक बच्चे खेल रहे हैं। और जो ये पूजा हुई थी, ये देखिए ये अभी तुरंत नहीं हटाया जाता, इसको शाम को 5 बजे तक हटा देंगे, सूर्यास्त के पहले पहले, सूर्यास्त के पहले पहले ये हटा दिया जाएगा। और सब पे आराम कर रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं और सभी काम हो गया है। क्योंकि बहुत सुबह उठे थे तो थोड़ा से थक गए हैं, अब थोड़ा आराम करेंगे और जब भी होगा आपको दिखाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, खेल रहे हो? ये ऐसी बातें करती है, ये जब स्कूल जाएगी ना तब इसको मार पड़ेगी। और आज वंश अपने देवा दादा के यहाँ गए थे ना, देवा वंश मजा आई थी। और ये देवा दादा की मंदिर दिखाती है, हम लोग के यहाँ माँ काली की पूजा की जाती है तो वो मंदिर मेरे घर पे स्थापित की गई है। बाबा जी थे, मेरे पापा ससुर जो थे वो थे, उन्होंने ये मंदिर बनाई थी, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये है मेरी मंदिर, इसी तरीके से नीचे दुकान के पास भी मंदिर है, ये माँ काली जी की है, इनकी पूजा हम लोग करते हैं, इस तरीके से इनकी पूजा करते हैं हम लोग हमारे यहाँ। ये देखिए हम लोगों की दुकान के कुछ सामान हम लोगों को कमरे में ही रखने होते हैं क्योंकि नीचे जो गोदाम है वो भी भरा होता है। और तो कुछ जिनका बिजनेस होता है वो जानते होंगे कि जिनके बिजनेस चलते हैं उनको कुछ ना कुछ सामान घर पे रखने ही होता है। तो इसी तरीके से आज का पूरा दिन जा रहा है, टाइम हो रहा है 4:45, ये देखिए 4:45 हो रहा है। फिर अभी वंश ट्यूशन जाएगा 5 बजे, उसके बाद वंश के पापा आएंगे, वो खाना खाएंगे, दीदी आराम कर रही है। और अभी तो कुछ ऐसा खास नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो पे बने रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि मेरी वीडियो आगे से आगे बढ़ती रहे और मैं भी आगे बढ़ती रहूँ। तो फ्रेंड्स सब कोई मेरे लाइक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ढेर सारा शेयर करिए और जितने अच्छे अच्छे कमेंट हो सकते हैं वो भी कमेंट करिए, मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ नहीं। और अभी मैंने व्लॉगिंग करनी मतलब तनी शुरू की है
तो वो आई होप कि आपको उतना पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, बाय साक्षी, बाय बाय बाय।